हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी CTM के बारे में, मतलब CTM क्या होता है, इसे करना क्यों जरूरी है और किस तरीके से हम नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज करके, मतलब घर में ही जो हमारी चीज अवेलेबल रहती है उसको यूज करके हम डेली CTM कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेक श्योर कर लीजिए कि जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे आपने प्रेस किया कि नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में उसमें बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो जो ब्लैक थंब है उसे ब्लू कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। CTM होता क्या है? CTM होता है हमारा क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जब हम इस सीक्वेंस में इस प्रोसेस को करते हैं अपने स्किन में, दैट इज कॉल्ड CTM। बेसिकली इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। अब इस CTM को करना क्यों जरूरी है? ये हमारे स्किन का एक बेसिक स्किन केयर स्टेप्स है जो हमारे स्किन को हर तरीके के प्रॉब्लम से दूर करता है। आप सब जानते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे स्किन को कई तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लाइक पोल्यूशन है, डस्ट है, हार्मफुल रेडिएशन है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, धीरे 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 हमारे स्किन को ख़राब करती है। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहते हैं कि आपको ना फेस करना पड़े या आपके स्किन को इन सारी चीज़ों से ना गुजरना पड़े, तो आप डेली CTM अपने रूटीन में ले आइए, मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में, मतलब सोने के पहले। अब इस बेसिक जो स्टेप्स है CTM की वो क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और हम इस वीडियो में कोई भी बाहर का जो प्रोडक्ट क्रीम यूज नहीं करेंगे, हम घर की ही चीज़ों को यूज करके CTM कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये बता देती हूँ कि CTM में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इनमें क्या करना होता है। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिंजिंग या क्लीनिंग। क्लीनिंग हमें करना है अपने स्किन की, और ये बहुत ही बेसिक स्टेप है जो हमारे सारे फ्रेंड्स करते भी होंगे, मतलब सोप से फेस वॉश मॉर्निंग टाइम पे, कुछ लोग रात में भी करते होंगे सोने से पहले। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप है और ये करना बहुत ही कंपलसरी है ताकि जो आपके पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब आपके स्किन में बहुत ही छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिसको हम पोर्स कहते हैं, उसमें जाके गंदगी इंटैक्ट हो जाती है, घुस जाती है, जम जाती है, जिसके कारण आपकी स्किन डैमेज होना स्टार्ट करती है या आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप डेली सुबह शाम, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, तो आप दिन में भी एक दो बार फेस वॉश कर सकते हैं। करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका फेस क्लीन रहे, जो भी डस्ट पार्टिकल है, गंदगी है, वो आपके फेस से बिल्कुल नहीं चिपके। क्लीनिंग करने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, आप बिल्कुल भी साबुन का यूज़ नहीं करेंगे, सोप को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको माइल्ड फेस वॉश या जो भी फेस वॉश आपको सूट करता है वो आपको उससे फेस वॉश करना है, और मॉर्निंग टाइम पे और नाइट टाइम पे। अगर आपने मेकअप अप्लाई करके रखा है तो सबसे पहले आपको अपना मेकअप क्लीन करना है, डायरेक्टली मेकअप के ऊपर फेस वॉश नहीं करना है। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं, आप मिसलर जो वाटर आता है उसको यूज़ करके आप अपना पूरा मेकअप को रिमूव करिए और उसके बाद फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करिए। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको क्लीनिंग प्रोसेस में यूज़ करना था। इसके साथ साथ क्लीनिंग प्रोसेस में एक चीज़ और आती है, वो है एक्सफोलिएटर। आप जानते होंगे हम स्क्रबिंग की बात करते हैं, बट स्क्रबिंग क्या है, हमारा रूटीन का पार्ट नहीं है, हमें वीक में एक बार या दो बार करना चाहिए। डेली हम करेंगे तो उससे भी हमारी स्किन खराब हो सकती है। तो एक्सफोलिएटर को आप ऐसे कर लीजिए कि आप वीक में एक बार, लाइक सैटरडे संडे, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप ऐसे एक्सफोलिएट करने के लिए अपने फेस को स्क्रबिंग कर सकते हैं। तो एक्सफोलिएटर भी आपका एक पार्ट हो जाता है क्लीनिंग का। एक्सफोलिएटर क्या करता है, वो डीप डर्ट जो आपके पोर्स में रहते हैं उनको रिमूव करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ फेस वॉश से क्लीन नहीं हो पाती है, तो एक्सफोलिएटर मतलब स्क्रबर उसे क्लीन कर देता है। तो ये प्रोसेस थी क्लीनिंग की, जो आपको बहुत ही सिंपल स्टेप है, जिससे सिर्फ साबुन से फेस वॉश करना है, साबुन नहीं यूज़ करना, मतलब फेस वॉश से आपको फेस को सिर्फ वॉश करना है और आपकी जो पहला स्टेप है वो वहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है टोनिंग। टोनिंग मेरे ख्याल से मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होंगी जो स्किप कर देती होंगी, उनको लगता होगा टोनिंग करना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फेस वॉश करते हैं डायरेक्ट सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती है ना। ऐसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो ऐसा करती है, मुझे पता है, और इसके कारण उनको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी उनका जो चेहरा है वो खिला खिला सा नहीं लगता है और उनको बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो
टोनिंग करना इसलिए जरूरी है, आप जानते होंगे हम लोग बोलते हैं बार बार पीएच वैल्यू, स्किन का पीएच वैल्यू बिगड़ जाएगा। तो पीएच वैल्यू इज अ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे स्किन को क्या करता है, जो भी जैसे ऑयल है तो ऑयल को बैलेंस करेगा, जो ड्राइनेस है वो उसको बैलेंस करके रखता है। कई बार आपने देखा होगा फेस को वॉश करने के बाद चेहरा बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, या थोड़ी देर बाद बहुत ही ज्यादा ऑयल सिक्रीट होने लगता है हमारे फेस से, क्योंकि वहां पे जो आपका पीएच वैल्यू है फेस का वो बिगड़ जाता है। तो टोनिंग करने से क्या होगा, जो आपका पीएच वैल्यू है फेस का वो बैलेंस रहेगा, आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी कि बहुत ड्राइनेस हो रही है, खिंचा खिंचा सा चेहरा हो रहा है, या फिर बहुत ही ज्यादा ऑयल निकल रहा है, बहुत ऑयल सिक्रीट हो रहा है आपके फेस से, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब भी आप फेस वॉश करिए तो सेकेंड जो प्रोसेस है हमारा, जो सेकेंड स्टेप है वो है टोनिंग। आप अपनी स्किन को टोन करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो टोनर आता है वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आता है। लाइक आपका ऑयली फेस है तो आप रोज वाटर प्रेफर कर सकते हैं, आप क्यूकुम्बर टोनर यूज कर सकते हैं, और अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप जो ट्री टी टोनर आता है वो यूज कर सकते हैं, और भी आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से सारे जो स्किन टाइप है उनके अकॉर्डिंग टोनर्स प्रोवाइड मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस स्किन टाइप को कौन सा टोनर लगाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। और मेरी स्किन कॉम्बिनेशन में है, थोड़ी ऑयली है, ऑयली कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है, तो मैं कौन सा टोनर यूज करूंगी वो आपको आगे पता चलेगा। तो इस तरीके से टोनर यूज करना बहुत जरूरी है। और आजकल मार्केट में टोनर फेशियल मिस्ट के फॉर्म में भी आने लगा है, स्प्रे फॉर्म में आने लगा, तो फेशियल मिस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप टोनर नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप फेशियल मिस्ट भी मार्केट से परचेस करके उसे यूज कर सकते हैं। तो ये था टोनिंग की बात, और अब मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, दैट इज मॉइस्चराइजर। तो जो थर्ड स्टेप है दैट इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजिंग करना आपको स्किन के लिए बहुत जरूरी है, एंड इट इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मॉइस्चराइजर क्या करता है, केवल आपके फेस को मॉइस्चराइज नहीं करता है, साथ ही साथ आपके फेस में जो प्रॉब्लम्स रहती है लाइक पिंपल, एक्ने, ड्राइनेस, इस सारी प्रॉब्लम को भी क्योर करता है। तो जब भी आप अपना मॉइस्चराइजर सिलेक्ट करें, चूज करें, तो वो आप अपने स्किन में, स्किन टाइप और स्किन को जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइजर सिलेक्ट करें। अदरवाइज अगर आपको मार्केट का केमिकल बेस्ड या इस सब मॉइस्चराइजर अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो इस वीडियो में आपको मॉइस्चराइजर बताऊंगी जो हम घर पे ही बनाएंगे, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है अपने फेस को, इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं, तो जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो मॉइस्चराइजर को स्किप कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले मॉइस्चराइजर लगाना है, देन उसके बाद उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। तो ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स जो आपको सीटीएम में फॉलो करने हैं और डेली फॉलो करने हैं। मैं इसको इतना एलेबोरेट करके बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही 5 मिनट्स के अंदर हो जाता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि किस तरीके से घर के ही चीजों को यूज करके, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज करके हम डेली सीटीएम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के दिन का जो CTM है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और मैं घर का ही प्रोडक्ट यूज़ करके CTM करूँगी। तो सबसे पहले क्लिंजिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है कच्चा दूध, रॉ मिल्क, जो आपके चेहरे को क्लीन करेगा। इसके बाद टोनिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है क्यूकुम्बर जूस। ये क्यूकुम्बर है जो थोड़ा सूख गया था, तो मैंने इसी को छील के पील करके ग्रेट करके जूस निकाला। और अब हम बनाएंगे मॉइस्चराइजर होममेड, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन ले लूँगी, और मैं आपको ये बनाने के लिए दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको ढेर सारा बना के एक बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ। और 1 चम्मच मैं गुलाब जल ले लूँगी, और इसे आप कई महीने तक बना के रख सकते हैं, और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूंगी। तो ये तीनों को मिक्स करेंगे और हमारा मॉइस्चराइज़र बनके तैयार हो जाएगा। मॉइस्चराइज़र जो मैंने थोड़ा सा आपको बना के दिखाया है, बाकी मैं बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ। और ग्लिसरीन बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें हमने रोज़ वाटर और लेमन जूस मिलाया है, जिससे स्टिकीनेस चली जाती है और चेहरा बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा, और फेस जो है, स्किन है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और आपका चेहरा मॉइस्ट रहेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं CTM कैसे करती हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है, और ये नहाने के पहले मैं अपना पूरा फेस क्लीन कर रही हूँ रॉ मिल्क कच्चे दूध से। और इससे क्या होगा, जो भी एक्सेस मेकअप आपके फेस पे रह जाता है या फिर डर्ट रह जाती है, वो रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद आप
नहा सकते हैं। तो मैंने शावर ले लिया है, अब जो आगे का स्टेप्स है वो उनको मैं करूँगी। तो उसके बाद हमें करना है टोनिंग। तो टोनिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो कुकुम्बर जूस निकाल के रखा था मैं वो यूज़ करूँगी। आप चाहे तो इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश निकाला है इसलिए मैं कॉटन बॉल की हेल्प से इसको अपने पूरे फेस पर डैप करते हुए अप्लाई कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगी ताकि हमारा जो स्किन है इसे एब्जॉर्ब कर ले। टोनिंग हमारे पोर्स को भी श्रिंक कर देता है जिससे क्या जो गंदगी है वो हमारे पोर्स के अंदर तक नहीं जाती है। तो इस तरीके से लगा लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा मॉइस्चराइज़र। तो जो ये होममेड मॉइस्चराइज़र मैंने बनाया है वो ही मैं आपको फेस पे लगा के बताऊँगी। तो बस थोड़ा सा अपने पाम में ले लेना है और जिस तरीके से आप क्रीम अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही बढ़िया है। इसको आप ज़रूर अप्लाई करिएगा अपने पूरे फेस पे। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं आपको एक और मॉइस्चराइज़र बता सकती हूँ। आप क्या करिए, एलोवेरा जेल जो रहता है जो ट्यूब फॉर्म में आता है या फ्रेश, आप एलोवेरा जेल ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। तो ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा CTM का प्रोसेस। और देखिए जो हमारा मॉइस्चराइज़र है बहुत एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में। अब क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करके बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे लोटस हर्बल का सेव सन SPF 30 सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। और जब भी आप घर से बाहर जाए तो ये CTM प्रोसेस के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करके ही जाना है ताकि आपको टैनिंग की प्रॉब्लम ना हो। और यही सेम जो स्टेप्स मैंने आपको CTM के बताए हैं वो आपको रात में भी रिपीट करना है, मतलब फेस वॉश करना है, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के जगह आप नाइट क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा CTM प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कितना इजी तरीका था कि घर के ही चीजों को किस तरीके से हम यूज करके CTM कर सकते हैं। दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, प्लस ये नॉन केमिकल बेस्ड है तो आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जरूर इसे ट्राई करिएगा। जो मेरी बहनें, जो मेरी दोस्त यहाँ पे देख रही हैं, तो अगर आप CTM नहीं करते हैं तो प्लीज आज से स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपकी जो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज है वो सारे रिमूव हो जाए। और इस रूटीन को करने से क्या होता है, आपकी स्किन ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगी, यंगर हो जाएगी और साथ ही साथ हेल्थियर भी हो जाएगी। तो यही फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग की स्किन बहुत ही अच्छी हो जाए और इसी पर्पस को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा और मैं जो समझाने की कोशिश कर रही थी वो आप लोग ने समझ लिया होगा। बट इससे रिलेटेड भी आपकी कोई और क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स है, वहां पे मुझे लिख के जरूर पूछिएगा। और आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में फॉर माय लेटेस्ट अपडेट और स्टोरीज। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने स्किन का ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।